बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र स्थित प्राइवेट स्कूल के मैनेजर पर लगा आरोप, परिजन तहरीर देने पहुंचे थाने। दरअसल थाना धनौरा क्षेत्र के गांव देहरा चक निवासी पीड़ित ने चांदपुर थाने में तहरीर दी कि उसका 12 वर्षीय पुत्र थाना चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत बाष्टा में स्थित अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 6A का छात्र है और वह हॉस्टल में रहकर पढ़ता है। आइए जानते हैं इस संबंध में पीड़ित के परिजनों ने क्या कुछ कहा। कहाँ के रहने वाली हो? देहरा चक। कहाँ पड़ता है? देहरा चक। देहरा चक चुचल्ले के पास। अच्छा, क्या मामला है जो आज आई हो थाने चांदपुर में? मेरा बेटा स्कूल में बुरी तरह पिटाई करी गई है, मेरे बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? मेरा बच्चा अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 6th। क्या नाम है? उत्कर्ष चौधरी। अच्छा, फिर क्या हुआ, आपको कैसा पता चला? सर, मेरे बच्चे की आँखों की दवाई चल रही थी और मैं वहाँ पे देखने चली गई कि मैं अपने बच्चे को लेकर, कल आज डॉक्टर आने वाले थे धनौरा में, तो मैंने बोला उनसे कि मेरे बच्चे को भेज दो, मैं आज डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा आज नहीं जा पाएगा स्कूल। मैंने बोला सर कि आपने तो बोला था कि 5 बजे ले जाना जी, तो 5 बजे मुझे बच्चा दो मेरा, क्योंकि मुझे कल को डॉक्टर को दिखाना। तो बोल रहे थे कि नहीं, बच्चा नहीं जाएगा। मैंने फिर जबरदस्ती करी उनके साथ अपनी बिरादरी के नाते कि मेरे बच्चे की आँखें जरूरी है, आपकी पढ़ाई जरूरी है। तो सर उसने बोला कि आप ले जा सकते हो। मेरे बच्चे ने पूरी रात घर पर नहीं सोया, नहीं खाया कुछ भी। मैं गजरोला लेके गई, डॉक्टर ने बोला कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे भर्ती करना पड़ेगा। पूरी रात हम मुआ रहे इसे लेके, बहुत ज़्यादा बुखार था मेरे बेटे को। फिर क्या देखा आपने? फिर क्या देखा? फिर सर हमारा घर पर आए तो हमने बच्चे को नुलाने के लिए कपड़े उतारे, तो बच्चे का मेरे मुझसे हाल नहीं देखा गया कि मेरे बच्चे बहुत का मारपीट करी। बहुत मारपीट। किसने मारपीट करी? आमोद ने मारा है मेरा। कौन है आमोद? आमोद वो है मैनेजर है स्कूल का, मालिक है उसका। तो आपका बच्चा यहीं पढ़ता था क्या? मेरा बच्चा हॉस्टल में रहकर यहीं से पढ़ाई कर रहा था। कार्रवाई चाहते हैं, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। सर 1 लाख रुपए मांगे थे, बोले 80,000 रुपए फैंस रहा था, बोले 80,000 रुपए पूरे साल का वो है, और हमने 50,000 रुपए आपसे कह रहे थे। आपसे कह रहे थे? हाँ। अच्छा, पापा का नाम? कहाँ के रहने वाले हो आप? अच्छा, क्या मामला हुआ बेटा आपके साथ? तो हमारे खेमा में ट्यूशन पढ़ रहे थे, हम एक लड़के को बुक लेने गए थे। पहले तो हम राहुल सर ने हमारी ट्यूशन दी, फिर राहुल सर आए गए तो राहुल सर मैनेजर सर के पास पहुंच गए। तो मैनेजर सर आए तो उन्होंने हमारे हाथ में हमारे घर से फोन बुला दी थी, तो राहुल मैनेजर सर ने हमारे पास ट्यूशन दी मेरे को। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल। तो वहीं पढ़ते हो? कैसा? हाँ, हॉस्टल में रहते। तो आपको इसलिए मारा, मतलब किस किस ने मारा? राहुल सर ने। किस चीज़ से मारा आपको? अमरूद की डंडी। तो आपने विरोध नहीं करा कि मुझे क्यों मार रहे हो? तो हमने कही थी, कह रही अपने घर जाएगा, कहता है ना मुझे मारते हैं। तो आपने फिर बाद में अपनी मम्मी पापा से बताया? हाँ, मम्मी पापा मुझे भेज दिए थे स्कूल में। तो कब गए थे आप स्कूल से घर अपने? स्कूल से घर गए थे हम सैटरडे के दिन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? देहरा से। अच्छा, क्या मामला जो आज थाने में आए आप, क्या मामला? भैया, बच्चा हमारा इस हॉस्टल में पढ़ता है यहाँ बाष्टा जी। क्या नाम है बाष्टा? अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल। हॉस्टल में रहकर बच्चा पढ़ता है, वहाँ बच्चा जब पढ़ रहा था तो क्लास में 3 बजे से बाद ट्यूशन होता, ट्यूशन में बच्चे ने कोई शरारत करी होगी, तो जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे अध्यापक, उन्होंने उसको तो डंडी मार दी। डंडी मारने के बाद बच्चा रोया, तो और बच्चों ने मजाक बनाई और बच्चे से कहीं तो अपने घर शिकायत कर ली। इस बात पर ट्यूशन वाले अध्यापक गुस्सा होकर चले गए और उन्होंने मैनेजर सर को बोला। मैनेजर सर ने आकर बच्चे को बेबूत धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया, लाल करके फेंक दिया। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास का है? 6th क्लास का बच्चा। अच्छा, तो आपने कहा नहीं मैनेजर से? मैनेजर सर का मैंने उनको जो राहुल सर थे उनसे बताया था फ़ोन करके, मगर सर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती थी बच्चे को जो इतना मारा? तो बोले ऐसा तो धोखे में हो गया, कह कर डाल दी उन्होंने। बोले जी मैं तो इतना जानना, मैंने तो पता नहीं थी। तो आपको कैसे पता चला फिर? बच्चे को मैं वहाँ से जब हॉस्टल से कल लेने गया बच्चे को, तो मैंने कहा जी बच्चे को भेज दो आप। बोले जी बच्चा नहीं जाएगा, 2 दिन की छुट्टी थी। तो मैंने कहा इसकी आँखों का इलाज चल गया, डॉक्टर आएगा आज, दिल्ली से आता डॉक्टर धनौरा बैठता, उसे आँखें दिखानी थी। अब रात ही कुछ नहीं बताई इस बच्चे ने। सुबह जब मैंने इसे नहलाने के लिए कपड़े उतारे इसके, तब देखा इसकी हालत, मगर ये क्या हुआ, तब इसने बताई कहानी। बोले ऐसे से पहला राहुल सर ने मारा, राहुल सर से बात फिर मैनेजर सर ने। तो क्या चाहते हैं? देखो क्या होता है, जो आप उचित नहीं थाने में क्या कार्यवाही करिए, अब आगे थाने वाले क्या कार्य करते हैं। देखो आरोप यह है कि दिनांक 23 अगस्त 2024 को समय करीब 3 बजे ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक राहुल सिंह द्वारा बच्चे की पिटाई डंडे से की गई। वह शिकायत करने पर स्कूल के मैनेजर आमोद द्वारा भी बच्चे के साथ मारपीट की गई, जिससे बच्चे के शरीर पर गुम चोटों के निशान पड़ गए। वहीं जब परिजनों को मामले की जानकारी हुई, तब जितेंद्र पुत्र जयपाल सिंह अपने बेटे को लेकर थाने पहुंचे और मामले की जानकारी देते हुए तहरीर दी। आइए अब जानते हैं इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा।
अवगत कराना है, आज दिनांक 25/8/2024 को जितेंद्र सिंह निवासी धौराचक थाना धनौरा ने सूचना दी कि उनके बेटे उत्कर्ष चौधरी को अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल के टीचर राहुल द्वारा पिटाई की गई है। इस संबंध में थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, बच्चे का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। डीपीपी न्यूज से सुभाष चौधरी की रिपोर्ट। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और डीपीपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही किसी भी खबर को डीपीपी न्यूज चैनल पर चलवाने के लिए या अन्य कोई जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7409720947 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।